दोस्तों, अगर आपसे कोई व्यक्ति एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ ले और आप उसका जवाब ना दे पाएं तो आपको बहुत ही बुरा फील होता है। लेकिन जवाब ना दे पाने का मेन रीजन है आपका आईक्यू लेवल कम होना। जो व्यक्ति किसी भी क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से और कम समय में दे देता है, उस पर्सन का आईक्यू बहुत ही अच्छा होता है। जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन का आईक्यू लेवल 160, इलॉन मस्क का आईक्यू लेवल 165 और इंडिया की अनुष्का दीक्षित का आईक्यू लेवल 162 है, जो कि अल्बर्ट आइंस्टाइन से भी ज्यादा है। पूरी दुनिया में सभी लोगों का एवरेज आईक्यू लेवल 80 से 100 के बीच होता है। आईक्यू किसी भी व्यक्ति की इंटेलिजेंस पावर का एक मेजरमेंट होता है, जिससे यह अनुमान लगाया जाता है कि कोई व्यक्ति क्वेश्चंस के आंसर देने या भविष्यवाणी करने के लिए इंफॉर्मेशन एंड टेक्निक्स का कितनी अच्छी तरह से उपयोग कर सकता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने जीवन में लोगों की तुलना में कितने स्मार्ट हैं? अगर आपका जवाब नहीं है तो इस वीडियो में हम आपको आईक्यू लेवल बढ़ाने के कुछ ऐसे टिप्स बताने वाले हैं, जिससे आपके आईक्यू लेवल बढ़ने में मदद मिलेगी। जीवन के हर एक फील्ड में सफल होने के लिए हमें अपने माइंड का यूज करके समझदारी से कार्य करना होता है। इसके लिए हमारा आईक्यू लेवल काफी स्ट्रांग होना चाहिए। परंतु अब टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि किसी भी काम को करने के लिए हम टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट रहते हैं और अपने दिमाग को ज्यादा तकलीफ नहीं देते हैं, जिससे हमारे सोचने की क्षमता पर प्रभाव पड़ता है। तो फिर चलिए जानते हैं कि आईक्यू आखिर होता क्या है, आईक्यू को कैसे निकालते हैं और हम अपने आईक्यू लेवल को कैसे बढ़ाएं। तो दोस्तों, आज फिर जबरदस्त वैल्यू ऐड करेंगे आपकी लाइफ में। सो लेट्स बिगिन। आज वर्ल्ड डेटा इन्फो की एक रिपोर्ट के मुताबिक सिंगापुर एवरेज आईक्यू 108 के साथ वर्ल्ड में टॉप पर है। वहीं इंडिया का एवरेज आईक्यू 81 है, जो वर्ल्ड आईक्यू रैंक के लिस्ट में 81 नंबर पर आता है। दोस्तों, आईक्यू का फुल फॉर्म इंटेलिजेंट कोशेंट होता है। आईक्यू एक्चुअली एक नंबर होता है जो आपको ये बताता है कि आपकी इंटेलिजेंस का लेवल क्या है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कितना याद रख सकते हैं, आपके पास कितनी नॉलेज है। आईक्यू का रियल मीनिंग होता है आपकी लर्निंग कैपेसिटी, आपकी किसी भी मेमोरी को होल्ड करके रखना, फिर उस नॉलेज को प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज करना। लेकिन अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि हम आईक्यू को कैसे निकालें? तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। इसमें किसी व्यक्ति की मेंटल एज और रियल एज को भाग करके 100 से गुणा करें, जिससे किसी भी व्यक्ति का आईक्यू निकाल सकते हैं। मेंटल एज यानी आपके दिमाग की उम्र। अब आपने किसी को कहते सुना होगा कि वो 30 साल का है लेकिन उसकी बुद्धि 10 साल के बच्चे के जैसी है। ये होती है मेंटल एज, और क्रोनोलॉजिकल एज वो होती है जो हमारी रियल एज है। कुछ लोग कहते हैं कि जब इंसान अपनी एडल्ट एज में पहुंच जाता है तो ह्यूमन ब्रेन की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी और पावर फिक्स्ड हो जाती है। कई रिसर्चेस में ये प्रूव किया जा चुका है कि अगर ह्यूमन चाहे तो अपना आईक्यू और माइंड पावर को बढ़ा सकता है, बस कुछ सिंपल सी टिप्स और एक्टिविटीज को फॉलो करके। अब मैं आपको आईक्यू बढ़ाने के लिए कुछ गजब की टिप्स शेयर करता हूँ। नंबर 7, माइंड एक्टिविटीज। माइंड एक्टिविटीज न केवल मेमोरी बल्कि इंटेलिजेंस और बॉडी लैंग्वेज को भी बेहतर बनाने में मदद करती हैं। इसके लिए आप कुछ ऐसे गेम्स को खेल सकते हैं जिसमें पूरा का पूरा खेल दिमाग का हो। इससे आपकी कंसंट्रेशन पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दिमाग की एक्सरसाइज में पजल्स, सुडोकू, चेस जैसे गेम्स खेल सकते हैं। आपको ये गेम्स 30-45 मिनट्स तक खेलने हैं। 20 से 21 दिनों तक ऐसा करने से आपकी कंसंट्रेशन पावर एंड काम करने की क्षमता बढ़ने लगेगी और आपका आईक्यू भी इंक्रीज होने लगेगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप सिंपल सिंपल क्वेश्चंस के जवाब सिर्फ हाँ या ना में देकर पैसे कमाना चाहते हैं तो मैं आपको एक गजब की ऐप के बारे में बताना चाहूंगा। यहाँ आपको किसी भी कैटेगरी के क्वेश्चन में अपना ओपिनियन सिर्फ हाँ या ना में देना होता है, और बस अगर आपका ओपिनियन सही हुआ तो आप पैसे जीत सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, लाइक क्रिकेट, क्रिप्टो, फाइनेंस, न्यूज एटसेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप स्पोर्ट्स कैटेगरी में किसी भी क्वेश्चन का जवाब सिर्फ हाँ या ना में देकर पैसे अर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन ये है कि क्या नीरज चोपड़ा कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में गोल्ड मेडल जीतेंगे? मुझे लगता है यस, तो मैं यस पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब अगर नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल जीत गए तो मैं भी जीत जाऊंगा। इसी तरह आप भी अपनी फेवरेट कैटेगरी के क्वेश्चन में अपना ओपिनियन देकर पैसे अर्न कर सकते हैं। इससे अर्न किए हुए पैसों को आप UPI के थ्रू डायरेक्ट अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से प्रोबो ऐप को डाउनलोड करके साइन अप करोगे तो आपको 50 रुपए का बोनस मिलेगा। तो जल्दी जाओ डिस्क्रिप्शन से प्रोबो अभी डाउनलोड करो और अपने ओपिनियंस का पूरा फायदा उठाओ। नंबर 6, यूज योर 5 सेंसेस।
जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, हम लोगों की इमेजिनेशन एंड विजुअलाइजेशन पावर कम होती जा रही है, क्योंकि हमारे सामने जो भी प्रॉब्लम होती है हम उसका सॉल्यूशन इंटरनेट पर ढूंढने लगते हैं, और इंटरनेट हमको एक से एक सॉल्यूशन एक सेकंड में ढूंढ कर दे देता है, जिससे हमारे दिमाग पर जोर ही नहीं पड़ता और हमारी इमेजिनेशन पावर कम होती रहती है। इमेजिनेशन पावर को बढ़ाने के लिए हमको सभी डिस्ट्रैक्शन से दूर होकर कुछ न कुछ सोचना होगा। जैसे हम लोग जब सोते हुए सपने देखते हैं, तब हमारे सारे सेंसेस रेस्ट में होते हैं और हम अपने इमेजिनेशन के पावर के बल पर उस ड्रीम के डीप में घुसते चले जाते हैं और हमको प्रॉब्लम देन सॉल्यूशन एंड देन उसका कंक्लूजन सब कुछ मिल जाता है। इसी तरह से हमको दिन में कॉन्सेंट्रेट करके सोचना चाहिए, क्योंकि इस समय हमारे सारे सेंसेस एक्टिव होते हैं और अच्छे से अच्छे आइडियाज को विजुअलाइज कर सकते हैं। इससे आपकी इमेजिनेशन पावर बढ़ेगी और आंसरिंग टाइम कम हो जाएगा। आज जो भी इंटेलिजेंट लोग हैं, उन्होंने अपने अपने आइडियाज को इमेजिन और विजुअलाइज किया और उन आइडियाज पर वर्क किया। आज जितने भी इन्वेंशन किए गए हैं वो सभी डीप इमेजिनेशन का ही रिजल्ट है, फिर चाहे एक सुई हो या फिर एरोप्लेन। नंबर 5, डू रेगुलर एक्सरसाइज। शारीरिक रूप से एक्टिव रहना दिमाग की एक्टिविटी को बेहतर बनाने के सबसे अच्छे तरीकों में से एक है। रोज सुबह जल्दी उठकर एक्सरसाइज करें। इससे न केवल आप स्वस्थ रहेंगे बल्कि इससे आपकी याददाश्त भी तेज होगी। एक अच्छे IQ के लिए याददाश्त का तेज होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब हमारी हेल्थ अच्छी होगी तब हमारे दिमाग में अच्छे अच्छे आइडियाज आएंगे, जिससे आपकी मेमोरी पावर अच्छी होगी। और शुरुआती एक्सरसाइज में आप वॉकिंग, योगा, लंबी पैदल यात्रा, बॉडी वेट वर्कआउट एक्सेट्रा एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। नंबर 4, ब्रेन हार्मोनिक्स। दोस्तों, आपने YouTube या फिर अदर एप्स पर स्टडी म्यूजिक, मेडिटेशन म्यूजिक एंड ब्रेन म्यूजिक देखे और सुने होंगे, जिन्हें ब्रेन हार्मोनिक्स या बाइनोरल बीट्स कहा जाता है। पर दोस्तों, आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि ये ट्रिक एक्चुअली काम भी करती है। वेल, एसोसिएशन फॉर अप्लाइड साइकोफिजियोलॉजी एंड बायोफीडबैक के एंड न्यूरोफीडबैक के फॉर्मर प्रेसिडेंट सिगफ्रीड ऑथमर ने एक वेव ट्रेनिंग एक्सपेरिमेंट किया था, जहां उन्होंने कुछ लोगों को डिफरेंट वेवलेंथ को कंबाइन करके रेगुलरली मेडिटेट करते हुए म्यूजिक सुनने को कहा। उसके बाद ये देखा गया कि जिन लोगों ने ब्रेन हार्मोनिक का यूज करके मेडिटेशन किया था, उन सभी के IQ में 23% का इंक्रीज हुआ था। दोस्तों, हमारा ब्रेन दो हिस्सों में डिवाइडेड है, जो अलग अलग तरह से काम करता है। ब्रेन हार्मोनिक्स में कुछ साउंड्स को ऐसे डिजाइन किया जाता है जिसे सुनकर आपके दिमाग के दोनों पार्ट्स एक में ही श्रिंक हो जाते हैं, जिससे हमारे माइंड में कई चेंजेस आते हैं, आपके न्यूरॉन कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और आपका IQ लेवल बढ़ने लगता है। इसे करने के लिए आपको रेगुलरली 20 से 25 दिन स्टडी, मेडिटेशन या फिर किसी आइडिया पर काम करने की जरूरत है, जो आपकी कॉन्सेंट्रेशन, मेमोरी और ब्रेन पावर को बढ़ाएगा। नंबर 3, टेक प्रॉपर स्लीप। बौद्धिक कार्य का समर्थन करने के लिए पर्याप्त नींद आवश्यक है। एक रिसर्च में पाया गया है कि जब आप सोते हैं तो आपका दिमाग दिन भर में आपके द्वारा बनाई गई मेमोरीज को कलेक्ट करता है। जब आप जागते हैं तो ये आपके मस्तिष्क की नई जानकारी सीखने की क्षमता को भी बढ़ाता है। इसलिए रोजाना सही समय पर सोएं और अपने काम के हिसाब से भरपूर नींद लें। एग्जाम्पल के तौर पर, आप अपने फोन 24 आवर्स चलाते हैं तो आपका फोन हीट होने लगेगा और उसकी काम करने की कैपेसिटी और फोन की प्रोसेसिंग स्लो होने लगेगी। ठीक इसी तरह से हमारा माइंड भी काम करता है। नंबर 2, डू मेडिटेशन। मेडिटेशन या ध्यान दिमाग को एक्सरसाइज कराता है। मेडिटेशन न केवल इंटरनल पीस प्रदान करने में हेल्प करता है, बल्कि मस्तिष्क को तनाव रहित बनने में भी हेल्प करता है। इसकी सहायता से कोई भी व्यक्ति अपने उद्देश्य पर अपना ध्यान केंद्रित करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। रोजाना सुबह मेडिटेशन करने से आपका मन और मस्तिष्क को एक नई ऊर्जा प्रदान होती है। इससे आपके माइंड कंसंट्रेशन में बूस्ट मिलती है और आपका IQ भी बढ़ने लगता है। नंबर 1, रीड बुक्स। एक रिसर्च से पता चला है कि पढ़ना न केवल आपके ज्ञान को बढ़ाता है, बल्कि इससे आपकी बुद्धि को तेज करने में भी मदद मिलती है। बुक्स पढ़ने से हमारी नॉलेज, हमारा पेशेंस और कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ती है। बुक्स पढ़ने से हमें नई नई चीजें सीखने को मिलती हैं और हमको सोचने पर मजबूर करती हैं। आपको कई ऐसी किताबें मिल जाएंगी जो आपकी माइंड पावर और IQ लेवल को बढ़ाने में आपकी मदद कर सकती हैं। इन टिप्स को फॉलो करके आप अपने IQ लेवल को पता करके उसे बढ़ा सकते हैं। आपका IQ लेवल जितना ज्यादा होगा, आपके दिमाग के कार्य करने की क्षमता उतनी ही अधिक होगी। IQ लेवल को बढ़ाने के लिए आपको अपनी जीवन शैली में भी परिवर्तन करना होगा। इससे भी आपको IQ लेवल बढ़ाने में हेल्प मिलेगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल।